पशु और धरा थे। यशोदा जो थी ये धरा थी और नंद जो थे इनका नाम था बसु, पूर्व जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त। लेकिन भक्त होने के साथ साथ इनके ऊपर गरीबी बहुत थी। अब ध्यान रखना, जिसके पास में पैसा होता है और भक्ति नहीं होती है वो दुनिया के सबसे गरीब इंसान होते हैं, और जिनके पास में भक्ति होती है और पैसा ना हो तो उनके जितना अमीर संसार में कोई नहीं होता है। सुन रही हो ना मैया, पीछे वाली मैया केम छो, ठीक हो? फिर उदास क्यों बैठी है? बसुधरा जो थे ये महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त, लेकिन थे थोड़े गरीब। इतने गरीब थे कि सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, और शाम को बन जाए तो सुबह नहीं। लेकिन इन्होंने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की कि हे नाथ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ फिर भी आपने मेरे ऊपर गरीबी दे दी। कभी शिकायत नहीं की। और ध्यान रखना, सच्चा भक्त वही होता है कि संकट कितने भी आ जाए फिर भी परमात्मा को दोष न दे, भगवान से शिकायत न करे। तुम लोग करती हो भगवान से शिकायत? मेरी माँ करती हो? मत किया करो। हाँ, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं ना अच्छा ही करते हैं। हम सब भगवान की संतानें हैं, भगवान हमारा पिता है। तो एक बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता तो हमारा भगवान अपने बच्चों का कैसे बुरा चाहेगा? तो मैया वसुधरा बहुत गरीब थे लेकिन भगवान के अनन्य भक्त। एक बार भगवान ने सोचा कि अपने भक्तों की परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि एक संत का भेष धारण किया, संत का भेष, और संत का भेष धारण करके वसुधरा की कुटिया पे पहुंचे भगवान। तो पशु जो थे वो किसी कारण काम से बाहर चले गए, घर में अकेली थी धरा। तो भगवान द्वार पे पहुंचे, भगवान ने आवाज लगाई, माते बिछाम देही, माते बिछाम देही। भीतर से धरा निकल के आई, देखा संत द्वार पे खड़े, हाथ जोड़ाई, जवाब दिया, कहिए मथुन क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने जवाब दिया, हे देवी, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ भोजन हो तो करा दो, भोजन पा लूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। धरा बोली, ठीक है मातुमन, आइए ना भीतर, आइए प्रवेश कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज, आज ध्यान रखना, धरा जो थी वो भगवान को भीतर ले गई, आसन लगा दिया, भगवान को बैठा लिया। अब धरा सोचने लगी कि मेरे महाराज तो घर में है ही नहीं, बसु अब घर में भोजन की व्यवस्था है नहीं, अब इन महात्मा जी को मैं करूं तो करूं क्या, कैसे भोजन करूं? तो धरा जो थी वो पास में एक साहूकार की दुकान थी, तो महाराज धरा उसी साहूकार की दुकान पर पहुंची और साहूकार से हाथ जोड़ के बोली, भैया मेरे घर में कुछ महात्मा आए, मेरे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, भैया कुछ अनाज दे दो मुझे, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे जाऊंगी। तो धरा जो थी वो सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर। तो धरा ने जब साहूकार से कहा कि भैया मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे घर में महात्मा आए हैं, मैं उनको भोजन कराना चाहती हूँ, मेरे घर में व्यवस्था है नहीं तो तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। साहूकार ने धरा की सुंदरता को देखा, नियत बिगड़ गई, दृष्टि बिगड़ गई। तो साहूकार ने धरा से कहा कि हे धरा, मैं अनाज तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। देखना कि महाराज भगवान अपने भक्तों की कैसे कैसी परीक्षा लिखवाते हैं। तो साहूकार ने धरा से कहा कि मैं अनाज
बदले में तुम्हारे स्तन चाहिए। तो जब ये वचन कहे साहूकार ने, तो धरा कितनी बड़ी भगवान की भक्त थी दादा, कि धरा ने बिना सोचे समझे आज अपने दोनों स्तन काट करके साहूकार को दे दिए और साहूकार से अनाज लेकर के धरा आज अपने घर में आई। और बुजुर्गो प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि जब धरा ने अपने स्तन काट करके साहूकार को दिए तो धरा के सीने से रक्त निकलने लगा। तो धरा जब अनाज लेकर के आई तो मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया और भगवान के सामने थाली परोस करके जैसे ही रखी तो भगवान ने देखा कि आज धरा जो है वो लहू लुहान है। तो भगवान ने धरा से प्रश्न किया, देवी ये आपके रक्त क्यों निकल रहा है? तब धरा ने कहा, नाथ पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं सारी बात बताऊंगी।